सॉरी छात्रों, क्षमा चाहेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यू आने के चलते वीडियो बीच में ही पॉज हो गया था, उसके लिए आप लोगों से सॉरी। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत में कुछ प्रमुख अभियान किए गए थे। उन सारे अभियानों को हम लोग बारी बारी से एक सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे कि कौन सा अभियान किसके विरुद्ध किया गया था। तो बात को समझिएगा थोड़ा सा। हम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख अभियानों में सबसे पहले बात करते हैं गुजरात अभियान को लेके। बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुल 8 से 9 अभियान किए गए हैं और वो सारा अभियान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में वहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले अभियान गुजरात अभियान को लेके। ध्यान से बात को समझिएगा, यह गुजरात अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, यह बात क्लियर है। लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी गए नहीं थे। गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसका नाम नुसरत खां था, ध्यान से नाम को याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान में नहीं गए थे। गुजरात अभियान में उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध सेनापति जो बहुत ही कुशल सेनापति था जिसका नाम नुसरत खां था, वह गुजरात अभियान गया था और वहां पर गुजरात के शासक, ध्यान से नाम समझिएगा, गुजरात के शासक कर्ण बघेल नाम का एक शासक थे जिसका नाम क्या था, कर्ण बघेल। कर्ण बघेल को बुरी तरह से परास्त किया और वहां से कर्ण बघेल भागकर देवगिरी के यहां जाकर शरण लिए। एक बार आपको फिर से मैं बता दूं कि सॉरी एक बार फिर से आपको बता दूं कि गुजरात पर जो पहला अभियान किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने भाग नहीं लिया था। उन्होंने अपने सेनापति नुसरत खां को वहां भेजा था और नुसरत खां गुजरात के शासक कर्ण बघेल को बुरी तरह से परास्त किया और वहां से कर्ण बघेल भागकर नुसरत खां से जब हार गए कर्ण बघेल, तो वहां से वह भागकर और देवगिरी में जाकर शरण लिए और वहां से नुसरत खां ने कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी को उठाकर लाया। कर्ण बघेल की पत्नी का नाम कमला देवी था, कमला देवी को उठाकर और लाया और अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से शादी कर लिए। बात क्लियर है? तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गुजरात अभियान को लेके। ध्यान से समझिएगा, गुजरात अभियान को लेके हम बात कर रहे हैं। गुजरात अभियान किसने किया था, प्रश्न पूछा जाता है। तो गुजरात अभियान में भाग जो लिए थे वह नुसरत खां थे। गुजरात अभियान में जो भाग लिए थे वह कौन थे, तो नुसरत खां थे। गुजरात अभियान में जो भाग लिए थे वह व्यक्ति का क्या नाम था, नुसरत खां था। और नुसरत खां कौन थे, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही कुशल सेनापति थे। अब बात आती है कि गुजरात अभियान के दौरान गुजरात के शासक कौन थे, तो गुजरात अभियान के दौरान गुजरात के शासक कर्ण बघेल थे। गुजरात के शासक का जो नाम था वह कौन थे, कर्ण बघेल। नाम को याद रखिएगा, कर्ण बघेल थे। कर्ण बघेल नुसरत खां से हार जाता है और अंत में वह या गुजरात से भागकर दिल्ली के सॉरी देवगिरी में जाकर शरण ले लेता है। और कर्ण बघेल की पत्नी का नाम, कर्ण बघेल की पत्नी थी जिसका नाम था, कर्ण बघेल की पत्नी का नाम था कमला देवी। कर्ण बघेल की पत्नी का नाम क्या था, तो कमला देवी था। याद रखिएगा, कर्ण बघेल की पत्नी का नाम कमला देवी था और कमला देवी को नुसरत खां ने उठाकर लाया दिल्ली में और उससे अलाउद्दीन खिलजी ने, कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है गुजरात अभियान से। जब नुसरत खां गुजरात अभियान में भाग लिए थे अर्थात तो वहां गए थे, तो यहीं पर उनको मलिक काफूर नाम का एक व्यक्ति मिलता है। नाम याद रखिएगा, गुजरात अभियान के दौरान ही मलिक काफूर से मुलाकात होती है नुसरत खां की। और नुसरत खान आपको बता दें, 1000 दिनार में नुसरत खान जो है वह 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदता है। यहां याद रखने की जरूरत है कि नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसीलिए मलिक काफूर को क्या बोला जाता है, तो 1000 दिनारी। अब से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है,
तो मलिक काफूर को जनाता है, जिसको 1000 दिनार में नुसरत खान ने खरीद कर और अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के विजय यानी साउथ विक्ट्री का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण भारत के जितने भी अभियान हुए हैं उन सारे अभियानों को जीतने का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। तो हमेशा प्रश्न पूछा है कि दक्षिण भारत के अभियान के लिए जो श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो मलिक काफूर को दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। यह तो गुजरात अभियान को लेकर हम लोग बात किए थे, आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद कौन कौन से अभियान हुए हैं। देखिएगा, मैंने कहा कि मलिक काफूर को 1000 दिनार में नुसरत खान ने खरीद कर लाया था। अब बात करते हैं कि दक्षिण, यहाँ याद रखिएगा, दक्षिण भारत का अभियान का श्रेय किसको दिया गया है, तो दक्षिण भारत का अभियान का श्रेय मलिक काफूर को दिया गया है। किसको दिया गया है, तो मलिक काफूर को दिया गया है, मलिक काफूर को दिया गया है। आपको बता दें, यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात याद रखना है, मलिक काफूर एक किन्नर था। मलिक काफूर क्या था, एक किन्नर था, और यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। तो बात याद रखना, मलिक काफूर एक प्रकार से किन्नर था। अब हम बात करें कि दक्षिण भारत का अभियान का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मलिक काफूर को दिया जाता है। और मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में कौन कौन से जगह पर अपना अभियान किया था, इसको भी याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले हम नाम लेते हैं दक्षिण भारत का, जो पहला अभियान मलिक काफूर ने किया था वह अभियान देवगिरी के तप विरुद्ध किया था। कहां किया गया था, देवगिरी में किया गया था। उसके बाद हम बात करें, देवगिरी के बाद दूसरा जो अभियान मलिक काफूर ने दक्षिण में यानी साउथ में किया था वह किया था होयसल के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था, होयसल के विरुद्ध किया था। उसके बाद हम बात करें, होयसल के बाद दक्षिण में कहां पर अभियान काफूर ने किया था, तो वह किया था वारंगल के विरुद्ध, वारंगल के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था, वारंगल के विरुद्ध। और उसके बाद हम बात करें तो चार नंबर में देखिएगा, एक और दक्षिण में अभियान किया गया था, वह अभियान पांड्य के विरुद्ध किया गया था, पांड्य के विरुद्ध किया गया था। अब आपके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे कि सर, दक्षिण भारत के अभियान करने का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। हाँ बिल्कुल जाता है, और मलिक काफूर ने दक्षिण में कुल 4 अभियान किए थे। कितने अभियान किए थे, 4 अभियान किए थे। देखिएगा, देवगिरी का शासक का नाम रामचंद्र देव था। मैंने पिछले क्लास में जिक्र भी किया होगा, देवगिरी के शासक उस समय कौन थे, तो राजा रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव, यहां बात याद रखनी है। और हम बात करें तो होयसल के शासक कौन थे, तो होयसल के शासक वीर बल्लाल, यहां पर नाम याद रखना पड़ेगा आपको, वीर बल्लाल तृतीय थे। होयसल के शासक कौन थे, तो वीर बल्लाल तृतीय थे। उसके बाद वारंगल के शासक कौन थे, तो प्रताप रुद्रदेव थे, प्रताप रुद्रदेव थे। वारंगल के शासक कौन थे, तो प्रताप रुद्रदेव थे। और उसके बाद हम बात करें पांड्य के शासक कौन थे, तो पांड्य थे, 2 शासक थे। पांड्य के प्रमुख कितने शासक थे, 2 शासक थे। एक का नाम सुंदर पांड्य था, और एक का नाम था वीर पांड्य, सुंदर पांड्य एवं वीर पांड्य। देखिएगा, यहां पर इन चारों शासकों के बारे में हम बात करेंगे बारी बारी से। हमने सबसे पहले कहा कि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे, बात क्लियर है आपको। और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने क्या किया कि परास्त किया। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने क्या किया था, परास्त किया था। अर्थात रामचंद्र देव जो थे यह अधीनता स्वीकार कर लिए मलिक काफूर का। अब यहां से एक और रोचक बात याद रखनी है, मलिक काफूर की जब अधीनता स्वीकार कर लिए रामचंद्र देव, तो मलिक काफूर ने उनसे एक शर्त रखा। ध्यान से समझिएगा बात को, मलिक काफूर ने रामचंद्र देव से एक शर्त रखा, और उस शर्त क्या रखा, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है। देवगिरी के अंतर्गत एक जगह था जिसका नाम एलीचपुर था, इस नाम को याद रखिएगा, देवगिरी के अंतर्गत एक छोटा सा जगह था जिसका नाम क्या था, एलीचपुर था। और रामचंद्र देव ने यह बात मलिक काफूर से कहा कि मैं आपकी अधीनता को स्वीकार करता हूं, मैं हार गया आपसे, आप प्लीज मुझे न मारे,
मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को मारा नहीं, उसने कहा कि ठीक है मैं एक शर्त रखता हूं इसके बदले में। तो मलिक काफूर ने कहा कि एलीचपुर जो जगह है, इस एलीचपुर की जो आय होगी, बात को ध्यान समझिएगा, एलीचपुर की जो टोटल इनकम होगी, अर्थात यहाँ से जो भी रेवेन्यू राजस्व वगैरह, जो भी खाने पीने से लेकर हर जो भी चीजें होंगी, उसको आप क्या कीजिएगा कि मेरे यहाँ दिल्ली चौंपा दीजिएगा, मेरे यहाँ दिल्ली क्या कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा। अब इस बात को सुनकर रामचंद्र देव थोड़ा सा भौचक्का रह गए कि यह कौन सी शर्त रख दिया काफूर ने, लेकिन मजबूरी था, अगर शर्त को नहीं मानते तो रामचंद्र देव का कहानी वहां पर खत्म कर दिया जाता मलिक काफूर के द्वारा। तो रामचंद्र देव ने इस शर्त को क्या किया, मान लिया कि हाँ चलिए मैं ठीक, आप बोल रहे हैं मैं एलीचपुर का जो भी इनकम होगा वह आपको दिल्ली पहुंचा दूंगा। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत सन 1305 से 1307 के बीच, बात को याद रखिएगा, 1305 से लेकर 1307 ईस्वी के बीच राजा रामचंद्र देव ने मलिक काफूर अर्थात दिल्ली में एलीचपुर की आय को नहीं पहुंचाया। इस बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः मलिक काफूर को दोबारा देवगिरी पर भेजा, अर्थात रामचंद्र देव को पकड़ कर लाने के लिए आदेश दिया मलिक काफूर को कि जाओ, उसने एलीचपुर की जो आय तुमसे जो वादा किया था कि एलीचपुर की हम इनकम आपके पास भेजेंगे, वह 1305 से 1307 के बीच में नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा है? मलिक काफूर वहां गया और रामचंद्र देव को पकड़ कर उठाकर और पुनः दिल्ली लाया। दिल्ली लाने के बाद वहां इस तरह से कोई व्यवहार उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, एक सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक व्यवहार किया गया रामचंद्र देव के साथ। और आपको बता दें कि 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र देव को अपने यहाँ रखा था, और उसके बाद 1 लाख सोना का टंका, बात को ध्यान समझिएगा, 1 लाख सोने के टंका देकर और पुनः एकदम सम्मान पूर्वक राजा रामचंद्र देव को देवगिरी पहुंचवा दिया। बात क्लियर है? तो यह बात थोड़ी सी याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि होयसल के जो शासक थे उनका नाम वीर बलाल तृतीय था। होयसल के जो शासक थे उनका नाम क्या था? वीर बलाल तृतीय। ये होयसल आपको कर्नाटक द्वारा समुद्रम की राजधानी भी थी उस समय, याद रखिएगा। वीर बलाल तृतीय को भी मलिक काफूर ने क्या किया था? परास्त किया था। देवगिरी के भी शासक राजा रामचंद्र देव को भी परास्त किया था। उसके बाद हम बात करें वरांगल। वरांगल आपको बता दें आंध्र प्रदेश उस समय तेलंगाना का क्षेत्र था। वरांगल यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव जी थे। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। और यहाँ से भी एक और इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव भी मलिक काफूर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात यह भी पराजित हो जाते हैं मलिक काफूर से। और प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर हीरा, यह बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि कोहिनूर हीरा किसने मलिक काफूर को दिया था, तो प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर हीरा जो है मलिक काफूर को दिया था। याद रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया था। और इस कोहिनूर हीरा को गोलकुंडा के खान से प्रताप रुद्रदेव ने लाया था। याद रखिएगा, इस कोहिनूर हीरा को प्रताप रुद्रदेव ने कहां से लाया था? तो गोलकुंडा के खान से लाया था। और इस कोहिनूर हीरा को मलिक काफूर को दिया गया था, और इस मलिक काफूर ने इस कोहिनूर हीरा को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। यहां तक बात समझ में आई होगी। और आगे हम बात करें कि पांडे शासक वहां पर दो लोग थे, दोनों भाई ही थे, एक का नाम सुंदर पांडे था और दूसरा का नाम वीर पांडे था। वहां पर पॉलिटिकल जो अगर हम व्यू को देखें तो सुंदर पांड और वीर पांड दोनों में जो है सत्ता को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रही थी। उसी बीच मलिक काफूर ने यहां पर हमला किया, आक्रमण किया, तो देखा कि ये ऑलरेडी दोनों भाई आपस में जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सत्ता को लेके, तो यहाँ पर मलिक काफूर ने सुंदर पांड का सपोर्ट किया। बात को ध्यान समझिएगा, किसका समर्थन किया, एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है कि मलिक काफूर जब यहाँ पहुंचता है और देखता है कि दोनों एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं सत्ता को लेके, तो छोड़ो यहाँ पे हमको लड़ाई नहीं करना है इन लोगों से, हम क्या करते हैं कि सुंदर पांड का सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मलिक काफूर जब पांडे पर आक्रमण किया तो उस समय उसने किसका सपोर्ट किया था, तो सुंदर पांडे का समर्थन किया था। और इस बात से खुशी होकर सुंदर पांडे ने मलिक काफूर को बहुत सारा धन दौलत भी दिया था, ऐसा बताया जाता है। उम्मीद करते हैं इन चारों अभियानों को जो काफूर के द्वारा किया गया था वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं
इन चारों अभियान के अलावा तो वह अभियान आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा, शायद आपको पता ही होगा, एक अभियान और है जिसका नाम है चित्तौड़ अभियान। एक अभियान और है जिसका नाम है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान, यहां से प्रश्न आपको याद रखने की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। आप शायद पद्मावत फिल्म भी देखे होंगे, पद्मावत वाला यह अभियान आपके सामने मैंने रखा है। चित्तौड़ के शासक जो थे राणा रतन सिंह जी थे। बात को ध्यान समझिएगा, उस समय चित्तौड़ के जो शासक या राजा थे वह राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह आपको पता ही है। राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मावती था और आपको बता दें कि पद्मावती उस जमाने की सबसे सुंदर स्त्री थी। मतलब कहने का यह हुआ कि उस जमाने में जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी भी देवियां थी, उन देवियों में सबसे खूबसूरत और ब्यूटीनेस के मामले में पद्मावती अत्यधिक सुंदर थी। और बरनी के अनुसार, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी, मैंने पीछे चर्चा भी किया है, जिनका पुस्तक का नाम तारीख फिरोजशाही है, तो बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी भी अपने आप को बहुत ही सुंदर मानता था। हालांकि रियल में अलाउद्दीन खिलजी कोई सुंदर था नहीं, लेकिन वह अपने मन से अपने आप को बहुत ही सुंदर मानता था। तो राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो पद्मावती था, पद्मावती था। और हम आपको बता दें कि यहाँ की एक और कहानी, कि रियल में अगर हम बात करें तो यहाँ मल्लिक काफूर ने अभियान नहीं किया था। चित्तौड़ पर अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था और अलाउद्दीन खिलजी के साथ, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक और व्यक्ति गए थे जिनका नाम अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो। चित्तौड़ अभियान में यही दो लोग भाग लिए थे, एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा इनके साथ जो गए थे अमीर खुसरो थे। मैंने पिछले क्लास में अमीर खुसरो के बारे में बात किया होगा कि भारत में सितार एवं तबला के आविष्कार करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। यह वही अमीर खुसरो है जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा है, तो अमीर खुसरो ने देखा है। बात क्लियर है। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान में भाग लिए थे। अब थोड़ी सी एक और कहानी को समझिएगा। जब चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन और अमीर खुसरो गए, तो इस माइंड सेट से अलाउद्दीन खुसरो गए थे वहां पे कि हमको पद्मावती को थोड़ा सा देखना है कि वाकई में हम जितना नाम सुन रहे हैं कि पद्मावती उस जमाने की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी, तो उसको हमको देखना है। लेकिन बात यह हुई कि जब अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचते हैं तो चित्तौड़ के किला पूरी तरह से घेरेबंदी थी, अर्थात चित्तौड़ के किले के बाहरी तरफ से बाउंड्री था, तो बाउंड्री में तो प्रवेश कर नहीं पाए थे अलाउद्दीन खिलजी। गेट बंद थी, मेन जो गेट थी बाउंड्री की, और इनकी सेना बाहर थी बाउंड्री की। होता क्या है कि जब राणा रतन सिंह को यह बात पता चलता है कि अलाउद्दीन ने हमारे किले पर हमला कर दिया है, तो वह सारे राजपूतों को किले के अंदर लेकर और अपना जो है जान बचाकर किसी तरह से जो है सुरक्षित करना चाहा। अलाउद्दीन की सेना किले की बाहर थी और आपको बता दें कि उस समय तक बाहर रही जब तक किला नहीं खुला। अर्थात कहने का मतलब है कि किले से बाहर कोई भी व्यक्ति निकल नहीं सकता है, क्योंकि चारों तरफ से अलाउद्दीन की सेना किले के बाहर घेराबंदी की हुई थी। और बताया जाता है कि जब किले के अंदर से बाहर कोई नहीं जाएगा, अर्थात जितने दिन का राशन किले में होगा वो तो राशन पानी खाएगा तो खत्म होगा ही होगा, तो एक ना एक अलाउद्दीन इसी माइंड सेट से किले को घेराबंदी किया था कि हम लोग हटेंगे ही नहीं, इसलिए नहीं हटेंगे, एक ना एक दिन किले किला का मेन गेट खुलेगा और जैसे ही मेन गेट खुलेगा हम लोग क्या करेंगे, राजपूतों पर हमला कर देंगे। अब बात आती है कि राजपूतों पर हमला कब करेंगे, किला के गेट उस स्थिति में खुलेगा जब जो भी अंदर में जो भी राशन पानी जो भी खाने पीने की चीज़ें थी जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक किला का मेन गेट खुलेगा नहीं। तो उस स्थिति में यह धारणा दिए रहे किला के बाहर अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसे ही राशन पानी भोजन की जो भी सामग्री थी वह एक जब खाएगा आदमी तो खत्म होगा ही होगा, तो एक दिन तो खत्म होना स्वाभाविक है। तो जैसे ही खत्म सारा कुछ हो गया किले के अंदर भोजन वगैरह जो भी सामग्री था भोजन का खत्म हुआ, उसके बाद पुनः मेन गेट जो है
चित्तौड़ का खुला और उस पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अटैक किया। अब बता दें कि एक और रोचक कहानी, जब अलाउद्दीन खिलजी रात में और खुसरो किले के बाहर थे तो अमीर खुसरो को किले के अंदर जलता हुआ कुछ ऐसा आग जैसा प्रतीत हुआ और अमीर खुसरो अलाउद्दीन से यह बात वहां पर कहते हैं कि देखिए अलाउद्दीन महाराज खिलजी जी से कि किले के अंदर कुछ आगजनी जैसी जो है दीपक प्रज्वलित हो रही है। आपको बता दें कि वह दीपक क्यों प्रज्वलित हो रही थी, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जो राजपूताना महिला थी वह क्या कर रही थी कि एक गड्ढा जैसा जो है शेप बना हुआ था किले के अंदर और उसके गड्ढे में चारों तरफ से जो है दीपक जला के और रखा गया था ताकि होगा क्या कि जैसे राजपूत अगर किला खुलेगा, राजपूत और अलाउद्दीन की सेना के बीच भिड़ंत होगी, यदि अगर राजपूत लोग हार गए, राजपूत लोग क्या हुए हार गए, तो वो इसलिए जलाया जा रहा था किले के अंदर कि हम लोग क्या करेंगे कि उसमें कूद कर और अपनी क्या है जान दे देंगे। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, यदि सारी महिलाएं उस दीपक को जला रही थी गड्ढा में, वही दीपक का उजाला जो है बाहर से खुसरो ने देखा था, अमीर खुसरो ने और अलाउद्दीन को बताया था, तो हम आपको बता दें कि उसको हम लोग जौहर बोले हैं, इतिहास में उसको जौहर कहा गया है। तो सबसे पहले जौहर जो है अरब वासियों का देन है, अरबों ने इस बात को लाया था। तो जो भी राजपूत महिलाएं थी, यदि कोई राजपूत लोग हार जाएंगे तो वह क्या करेंगी, इसीलिए वह दीपक जलाया जा रहा था कि उसमें कूद कर उस गड्ढे में अपनी जान दे देंगी, जिसको जौहर कहा जाता था। तो यहाँ तक बात याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी हालांकि इस प्रपोजल को रखे थे कि एक बार कम से कम उसका रियल में सूरत नहीं तो शीशे में भी चेहरा हमको पद्मावती का दिखा दीजिए, इस बात से जो है नाराज हो गए थे राणा रतन सिंह। और जैसे ही गेट खुला तो क्या हुआ कि दोनों के बीच भिड़ंत हुई, राजपूत और अलाउद्दीन के सेना के बीच, और राजपूत इसमें बुरी तरह से हारे और लास्ट में जो है पद्मावती के साथ अन्य जो भी राजपूत महिलाएं थी उस अग्नि कुंड में कूद कर अपनी जान दे दी और जौहर जो है उसी को बोला गया, जौहर से जो है अपनी जान जौहर के जौहर में दे दी पढ़ के। तो यहाँ तक आपको बात में समझ आई होगी हम उम्मीद करते हैं। अब बात आती है कि यह तो चित्तौड़ का अभियान था, हमने सबसे पहले गुजरात अभियान देखा, उसके बाद दक्षिण के चार अभियान देखे, उसके बाद चित्तौड़ के अभियान, हमने कुल 6 अभियानों पे बात किया। आगे हम बात करते हैं कुछ और अभियानों को लेके। देखिएगा चित्तौड़ अभियान के बाद एक और अभियान जो आता है, याद रखिएगा चित्तौड़ अभियान के बाद एक और अभियान आता है, जैसलमेर का अभियान। यहाँ पर याद रखिएगा जैसलमेर का अभियान। जैसलमेर का अभियान खुद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जैसलमेर का अभियान किसने किया था? पता होना चाहिए। और आपको बता दें जैसलमेर का शासक का नाम दुधा सिंह था। क्या नाम था? दुधा सिंह। जैसलमेर का शासक का नाम क्या था? दुधा सिंह था। और दुधा सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने बुरी तरह से क्या किया परास्त किया। इसके बाद एक और अभियान हुआ है जैसलमेर के बाद, आपको बता दें एक और अभियान हुआ है जिसका नाम है रणथंभौर का अभियान। जैसलमेर के बाद एक और अभियान हुआ है जिसका नाम है रणथंभौर का अभियान। और बता दें आपको रणथंभौर का अभियान जो हुआ था वह भी खुद अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। रणथंभौर का अभियान किसने किया था? तो वह भी खुद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उस समय रणथंभौर के जो शासक थे उनका नाम हमीर देव था। याद रखना है रणथंभौर के शासक जो थे उनका नाम हमीर देव था। और यहाँ भी हमीर देव क्या हुए? परास्त हुए अलाउद्दीन खिलजी से। आपको बता दें कि रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए किया था कि हमीर देव जो रणथंभौर के शासक थे इन्होंने मंगोलों को अपने यहाँ शरण दिया था, अर्थात मंगोल दो शासक मुहम्मद खां और बेहम खां को इन्होंने हमीर देव ने अपने यहाँ शरण दिया था। इसी बात से नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया था। तो बात क्लियर है, हम लोग सारे अभियानों को एक बार फिर सिस्टमेटिक तरीके से याद रखें। सबसे पहला अभियान गुजरात अभियान था, उसके बाद हम बात करें तो दक्षिण में चार अभियान, उसके बाद चंद देवगिरी का अभियान,
होयसल का अभियान, वारांगल का अभियान और पांडे का अभियान, उसके बाद बात करें चित्तौड़ का अभियान, उसके बाद बात करें जैसलमेर का अभियान और उसके बाद हम बात करें रणथंभौर का अभियान। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात किए, अब आगे हम लोग थोड़ी सी और कहानी को बढ़ाते हैं। देखिएगा, मैंने आपसे पिछले क्लास में यह बात बताया था कि जब यहाँ पर अभियान के तहत जो आक्रमण किया गया था, अर्थात अलाई दरवाजा के बारे में हमने बात किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय अभियान के दौरान ही किया गया था। अलाई दरवाजा को भारत में इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है, यह भी बात मैंने किया था। अब थोड़ी सी हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। 1297 से लेकर, ध्यान समझिएगा बात को, 1297 से लेकर और 1306 के बीच में, 1297 से लेकर 1306 के बीच में 6 बार मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। 1297 से लेकर 1306 के बीच में कितने बार, तो याद रखना है 6 बार मंगोल आक्रमण, 6 बार मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। 6 बार मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। अब बात आती है कि यह 6 बार मंगोल आक्रमण कब हुआ था और किस किस शासक के विरुद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करें 1297 में, 1297 में जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था वह कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना है किसके नेतृत्व में, कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद फिर पुनः एक बार और आक्रमण 6 टाइम के बारे में बात करें, पहले 1297 में हुआ, उसके बाद हम बात करें 1298 में जो मंगोल आक्रमण हुआ वह सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। सल्दी, याद रखना है सल्दी के नेतृत्व में हुआ था, सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद हम बात करें 1299 में, 1299 में जो मंगोल आक्रमण, तीसरा मंगोल आक्रमण था वह कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। उसके बाद हम बात करें 1297, 1298, 1299 और उसके बाद सीधा हम बात करें 1303 में मंगोल आक्रमण हुआ था, वह मंगोल आक्रमण तारकी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तारकी के नेतृत्व में। उसके बाद हम बात करें 1303 के बाद 1305 में जो मंगोल आक्रमण हुआ था, फिर वह मंगोल आक्रमण जो हुआ था अली बेग के नेतृत्व में हुआ था। अली बेग किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अली बेग के नेतृत्व में। और उसके बाद हम बात करें 1306 में जो छठा मंगोल आक्रमण हुआ था, 1306 में वह जो हुआ था इकबाल बंद के नेतृत्व में हुआ था। इकबाल बंद किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इकबाल बंद के नेतृत्व में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं यह 6 मंगोल आक्रमण आपको याद रखना है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था। सबसे पहला मंगोल आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा मंगोल आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा मंगोल आक्रमण 1303 में तारकी के नेतृत्व में, पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 में अली बेग के नेतृत्व में, छठा मंगोल आक्रमण 1306 में इकबाल बंद के नेतृत्व में। बात क्लियर है, अब हम बात को और आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा थोड़ी सी बात को। अब बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी का यह जो भी सारा काम था यह तो हो चुका है, अब अलाउद्दीन खिलजी के डायरेक्ट हम उत्तराधिकार का बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकार को थोड़ा सा समझिएगा कैसे है। हमने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो अगला शासक है वो मुबारक खिलजी है। कौन है, मुबारक खिलजी है। लेकिन यहाँ पे दो नाम मैं लिखूंगा, मुबारक खिलजी से पहले एक नाम और लिखूंगा, सिहाबुद्दीन उमर और इसके बाद मैं लिखूंगा मुबारक खिलजी, सिहाबुद्दीन उमर और मुबारक खिलजी। बात को ध्यान से समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दो पुत्र थे। अलाउद्दीन खिलजी के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। एक का नाम था सिहाबुद्दीन उमर और दूसरे का नाम था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दो पुत्र थे, एक का नाम था सिहाबुद्दीन उमर और दूसरे का नाम था मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हुई। बात को ध्यान समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। 1316 ईस्वी में हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो हुई थी वो 1316 ईस्वी में हुई थी जलोधर नामक रोग के कारण। जलोधर नामक रोग के कारण इनकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। इनके मृत्यु के जस्ट उपरांत शिहाबुद्दीन उमर जो है दिल्ली का शासक बनते हैं और शिहाबुद्दीन उमर को मुबारक खिलजी ने मार डाला। बात को ध्यान समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई थी और किसके कारण हुई थी, जलोधर नामक रोग इनको हो गया था उसी कारण हुई थी। और इनके मृत्यु के पश्चात इनका बड़े लड़का शिहाबुद्दीन उमर ने दिल्ली का शासन संभाला, लेकिन मुबारक खिलजी ने अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर की क्या कर दी, हत्या कर दी और दिल्ली का शासक बना। आपको बता दें कि मुबारक खिलजी जो है एक प्रकार से अय्याश शासक था, ऐसा बताया जाता है कि मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में नंगे होकर दौड़ने लगता था, ऐसा वर्णी के अनुसार बताया जाता है। कभी कभी को स्त्रियों का जो है वस्त्र पहन लेता था। और आपको बता दें कि मुबारक खिलजी को जो है स्त्रियों का संगत और नग्न पुरुष जो है ऐसे इसकी स्वभाव थी, बहुत ही अय्याश टाइप का शासक था। मुबारक खिलजी की जो हत्या है वह खुसरो ने कर डाला था। किसने किया था, खुसरो ने कर डाला था 1320 में। याद रखिएगा, मुबारक खिलजी की जो हत्या है वह किसने किया, खुसरो ने किया। हत्या किसने किया था याद रखना है, खुसरो ने किया था। कब किया था, तो 1320 ईस्वी में किया था। और खुसरो को पद से हटाकर गाजी अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने, ध्यान से बात समझिए, मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो ने 1320 में कर डाला था, लेकिन खुसरो को पद से अपदस्त कर गाजी या उसी का नाम गयासुद्दीन तुगलक भी है जिसने उसको पद से हटाकर खुसरो को और दिल्ली पर तुगलक वंश का नींव डाला। और आगे हम लोग कल से तुगलक वंश पे चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट या मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको जो है फैलाएं, ताकि जो भी अन्य छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको उनको मेरा कंटेंट जो है पढ़ने से कुछ लाभ मिले। तो इसके लिए इसी के साथ हम लोग फिर से विदा लेते हैं। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तुगलक वंश के साथ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।